एक बात हुकूमत के नजर लाना चाहता हूं कि हमको कई रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं कि कई मनादिर के बहुत से पुजारी भी छूट गए हैं इस लिस्ट में, तो अगर आप फिर से अगर उनको इजाजत दें तो और भी इजाफा हो सकता है। और एक हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन ये भी आया है इस ताल्लुक से कि कई मनादिर को जो एंडोमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है उनके पुजारियों को नहीं दिया जा रहा है, तो अगर आप फिर से अगर ऐसा कोई अहकाम जारी करते हैं जिसके जरिए जो मनादिर एंडोमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और एंडोमेंट के मातहत के बाद उनको भी यहां से ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसका मैं खैर मुकदम करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये अपीजमेंट नहीं है बल्कि हुकूमत की जानिब से हर किसी को एक नजर से देखने की अपने आप में एक और मिसाल है, तो मैं इसका खैर मुकदम करता हूं। और इसके साथ साथ मैं मेरी पार्टी की जानिब से ये भी कहूंगा कि यही टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरीके से मनादिर के पुजारियों को और एंडोमेंट के एम्प्लॉयज को जो ऐलान किया गया है, इसी तरीके से जितने मसाजिद हैं उसके अइमा और मौजनों को भी पैसे दिए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से जो पहले नहीं दिए जाते थे। मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से और ये हुकूमत से एक मुतालबा करूंगा कि जिस तरीके से मनादिर के इन पुजारियों को ये पैसे दिए जा रहे हैं इसी तरीके से सारे मसाजिद के अइमा को और मौजनों को भी इन्हीं लाइंस पर इन्हीं खतूत पर उनको भी इसी तरीके से अगर दिया जाएगा तो एक गैर मामूली फैसला होगा और उम्मीद करता हूं कि इस पर हुकूमत जरूर गौर करेगी। अध्यक्ष వాటిని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి అక్బరుద్దీన్ ఓవైసి గారు చెప్పారు, వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. మన దేశంలో సెక్యులరిజం ఎంత బలంగా ఉందో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసి గారి స్టేట్మెంట్ తెలియజేస్తా ఉంది, వారికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మజీదులలో ఉన్నటువంటి మౌజన్లకు ఇమాంలకు గౌరవ వేతనం ఇస్తా ఉన్నారు, వారికి కూడా ఇదే లైన్లో ఇవ్వాలని అన్నారు. ఒక హంబుల్ బిగినింగ్ను ఈ ప్రభుత్వం గతంలో లేని దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది, ముందు దశలో తప్పకుండా వారి సూచన పరిగణలోకి తీసుకుంటామని మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు, బీజేపీ మన దేశంలో సెక్యులరిజం ఎంత బలంగా ఉందో అక్బరుద్దీన్ ఓవైసి గారి స్టేట్మెంట్ తెలియజేస్తా ఉంది, వారికి ధన్యవాదాలు.